यूपी में भेड़ियों के आतंक की कहानी सामने आई और अब एमपी में सियार आतंक मचा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है सियार के अटैक की दहशत। लोग इस दहशत से बचने के लिए लाठी लेकर रात में निकल रहे हैं। सीहोर भोपाल के बाद अब कटनी में सियार का आतंक है। आप भी देखिए ऑपरेशन सियार। ऑपरेशन सियार दहशत में लोग वो आ न जाए। उसकी तलाश में वन विभाग की टीम सीहोर भोपाल के बाद कटनी में आतंक। छोटे छोटे झुंड में सियार कर रहे हमला। यूपी में भेड़िये की दहशत की कहानी खत्म ही नहीं हुई है कि अब एमपी में सीआर के आतंक की कहानियां सामने आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में सीआर की दहशत साफ नजर आती है। दो लोग आराम से बैठकर बात कर रहे थे, इस बात से अनजान के दहशत की उन पर नजर है। अचानक सीआर ने इन लोगों पर अटैक कर दिया। एक शख्स ने खुद को बचाया लेकिन बुजुर्ग शख्स इसके टारगेट पर आ गया। बुजुर्ग शख्स ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पत्थर फेंका, उसके बाद सीआर को उठाकर ऐसे फेंक दिया। सीहोर के रहटी इलाके की ये तस्वीरें हैं। गांव में सीआर के हमले ने मोर्चा संभाला है। रहटी के बोरी सेमरी गांव में रात में दो लोगों पर हमला किया गया। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आप इधर उधर रात में ना निकलें। सीआर से बचने के लिए वन विभाग चेतावनी जारी कर रहा है कि रात में घर से बाहर ना निकलें। अगर खेत में जाना है तो लाठी डंडा साथ लेके जाए, छोटे बच्चों को खेत में ना ले जाए। अब सीहोर के बाद आतंक की दूसरी तस्वीर जो कटनी से आई है। यह बुजुर्ग महिला कितनी खौफजदा है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। महिला के चेहरे पर सीआर के आतंक के निशान हैं, जिसने बुजुर्ग महिला पर हमला बोला। कटनी के लालपुरा में सीआर का आतंक नजर आया। यहां पर घर में घुसकर दो बड़े सीआरओ ने 80 साल की बुजुर्ग महिला समेत दो युवकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग की टीम सीआरओ की सर्चिंग कर रही है। रीठी वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश पटेल ने बताया कि वन हमला एक्टिव मोड में है और गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं लोगों को दरवाजे बंद कर सोने और रात के वक्त न घूमने की सलाह दी गई है। कई लोग एक साथ बाहर जा रहे हैं, साथ में डंडा लेकर। दरअसल 135 घरों की यहां बस्ती है। यहां सीआर अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं। गांव में दहशत का माहौल है। सीहोर भोपाल और अब कटनी में सीआर का आतंक। ऑपरेशन सीआर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।